हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वीरेन, एक अच्छी खबर है। नेशनल पार्क में जो मोटरसाइकिल के टायर के निशान मिले थे, वो अमोल की मोटरसाइकिल के पहियों से एकदम मिलते हैं। नहीं, लेकिन इतना सबूत काफी नहीं है, क्योंकि ये एक नया टायर है और इस ब्रांड के और भी टायर हो सकते हैं। इसीलिए मैं नेशनल पार्क की मिट्टी का सैंपल अमोल की मोटरसाइकिल के पहिए में लगी हुई मिट्टी से मैच करके देखता हूँ। दरअसल इसी से हमें पता चलेगा कि पिछले 6-7 दिन में अमोल की मोटरसाइकिल नेशनल पार्क गई थी या नहीं। अमोल बता रहा था कि उस पर खून का इल्जाम है। नहीं नहीं सूरज प्रकाश जी, देखिए हम एक लापता लड़की को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उस लड़की को आखिरी बार अमोल ने देखा है और हमें ये एक लेटर मिला है। पर इस पे तो भेजने वाले का नाम ही नहीं जी। लड़की की लाश मिली क्या? नहीं। तो फिर ये कैसे साबित हो सकता है कि वो लड़की मर चुकी है? देखिए, हमें मालूम नहीं कि लड़की जिंदा है या मर चुकी है। हमें सिर्फ इतना पता है कि 4 दिनों से वो लापता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लड़की खुद ब खुद कहीं छुप गई हो। हाँ, हो सकता है। तो फिर अमोल को बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है? ऐसा आप क्यों सोचते हैं कि उसने उस लड़की को बांद्रा के हॉस्टल पे नहीं छोड़ा था? लेकिन उसके पास कोई सबूत भी तो नहीं है कि उसने उसे वहां छोड़ा था। मैं अभी अभी लिंकिंग रोड से होता हुआ जुहू आ रहा हूं, इसका कोई सबूत है क्या? नहीं है। देखिए, मैं अमोल को पिछले 2 सालों से जानता हूं। वो एक बहुत अच्छा लड़का है और यूं ही नहीं बना रहा हूं उसको अपना दामाद। हम समझ सकते हैं, लेकिन हमें अपना काम भी तो करना है। देखिए, अमोल गोवा जाता था और रजनी का गोवा में ही किसी अमोल नाम के ही लड़के के साथ चक्कर था। सूरज प्रकाश जी, जैसा मैंने आपको कहा था, अमोल आपके काम से कब कब गोवा गया है, उन तारीखों की लिस्ट बनाई है आपने? ऑफ कोर्स। दीजिए ये वो लिस्ट। हेलो रेडी। अरे आओ बेटा पायल, ये मेरी बेटी पायल है। हेलो। हेलो। अगले हफ्ते इसकी शादी अमोल से हो रही है। बेटी, इन पुलिस वालों को इनविटेशन कार्ड जरूर भेजना। डेफिनेटली। सर, जिन दिनों अमोल गोवा में था, अप्रैल 17 से 23 तक, उन्हीं दिनों रजनी भी गोवा में ही थी, 18 से 26 तक, और वो भी उसी होटल में। सर, दाल में जरूर कुछ काला है। मुझे अमोल इतना सीधा नहीं लगता जितना वो दिखता है। तुम्हारा मतलब क्या है? सर जरा सोचिए, अमोल रजनी को बहला फुसला कर उसे बेवकूफ बनाकर उसे दोस्ती करता है, दोस्ती जो बहुत आगे बढ़ जाती है। फिर वो यहां आकर उसे भूल जाता है और पायल से सगाई करता है, जो सूरज प्रकाश कंस्ट्रक्शंस की इकलौती वारिस है। रजनी को अचानक अमोल का पता लग जाता है और वो यहां आ जाती है। अब अगर मिस्टर सूरज प्रकाश, उनको अगर पता चलता है अमोल के अफेयर के बारे में, तो वो सगाई तोड़ सकते हैं। बस अब अमोल चारों तरफ से फंस जाता है। अब इससे पहले कि रजनी कोई हंगामा खड़ा करे, वो उसका खून कर देता है और उसकी लाश को नेशनल पार्क में कहीं फेंक आता है। अब वो आराम से पायल से शादी कर सकता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती से उसे कोई देख लेता है और हमें रिपोर्ट कर देता है। तब अमोल एक मनगढ़ंत कहानी बनाता है कि वो उसे वर्किंग विमेंस हॉस्टल में छोड़कर आया था, जबकि मजनू ने उसे देखा था। एसीपी साहब, नेशनल पार्क की मिट्टी की जांच हो गई है और मैं यकीन से कह सकता हूं कि या तो अमोल या फिर उसकी मोटरसाइकिल पिछले 10 दिन में नेशनल पार्क में जरूर गए। अमोल को यहां लेकर आओ जल्दी। मुझे मेरी मंगेतर और उसके पिता के साथ बाहर खाने पे जाना था, और आप लोगों ने मुझे फिर बुलवा लिया। कहिए, अब क्या है? मिस्टर जुच्ची, तुमने हमसे झूठ कहा कि 19 तारीख की रात को तुम नेशनल पार्क गए नहीं। नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं बोला। मैं 19 तारीख की रात नेशनल पार्क गया ही नहीं। लेकिन हमारे पास फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट है कि तुम्हारी मोटरसाइकिल पिछले 10 दिनों में नेशनल पार्क में जरूर गई थी। बॉय सी, मैं एक फोन कर सकता हूं? हाँ जरूर। हाँ।
पायल? हाँ एक मिनट, महमूद। हाँ बोलो। अब आप खुद ही पूछ लीजिए कि वो नेशनल पार्क क्यों गई थी और कब गई थी, प्लीज। हेलो। हेलो। आप? जी मैं पायल बोल रही हूँ। मिस पायल, मैं एसीबी प्रद्युमन सीआईडी से बोल रहा हूँ। जी कहिए। क्या आप कुछ दिनों पहले नेशनल पार्क गई थी? जी हाँ। अच्छा, किस काम की थी? मेरे पास एनवायरमेंटल सेमिनार का फोटो असाइनमेंट था और मैं वहाँ फोटो खींचने गई थी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कह रही थी एनवायरमेंट सेमिनार का फोटो असाइनमेंट था, फोटो खींचने गई थी नेशनल पार्क। ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया? पहले जरूरी नहीं समझा, कोई जानबूझ कर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू मिस्टर अमूल रूप जी, अब आप जा सकते हैं, अपनी मोटरसाइकिल भी ले जा सकते हैं। थैंक यू। पता नहीं क्यों सर, मुझे अब भी लग रहा है कि अमोल झूठ बोल रहा है, वो लड़की मर चुकी है। वीरेन, ये भी तो हो सकता है कि लड़की खुद ही कहीं छुप गई हो। वो वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल के मेट्रो ने क्या बताया था? रजनी ने कौन से कपड़े पहने हुए थे? सर गुलाबी रंग का सलवार कमीज था। और वो बैग? बैग लाल रंग का। सभी पेपर्स में छपवा था गुमशुदा की तलाश, लड़की का नाम रजनी देसाई, गुलाबी रंग का सलवार कमीज पहने हुए, लाल रंग के बैग के साथ लापता है। और पुलिस ये भी जानना चाहती है कि क्या किसी ने उसे 19 तारीख की रात 11 बजे बांद्रा के वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल के आसपास देखा था या नहीं। देखिए हम है ना वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल की पास वाली गली में रहते, हमारे घर का ना फोन डेड है और ये मेरे हस्बैंड है ना, हमेशा की तरह उनको एक जरूरी फोन करना था तो टहलते हुए हम लोग निकल गए। वो हॉस्टल के बाजू में टेलीफोन बूथ नहीं है वहाँ पर, ये तो अंदर चले गए, मैं बाहर खड़ी थी। उतने में मैं देख रही हूँ एक लड़का मोटर बाइक पर बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था, करीब 5-7 मिनट तक तो वही था, फिर उसने बाइक स्टार्ट की और चला गया वहाँ से। क्या आप उसे पहचान सकती हैं? जी हाँ बिल्कुल। जी हाँ क्यों नहीं, मैंने उसे अच्छी तरह से देखा था, बल्कि मैं तो ये सोच रही थी कि वो वहाँ खड़ा क्या कर रहा था। क्या ये वही लड़का है? हाँ हाँ ये वही है। थैंक यू। दया, इनका पता और स्टेटमेंट ले लो। ओके सर, थैंक यू मैडम। वो पेपर में सुबह हमने पढ़ा था ना, तो हमने सोचा पुलिस को बता देना अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। आइए। नमस्ते सर। सेड हेडक्वार्टर्स? यस। कब, कहां पर, क्या मिला वहां से? ठीक है हम उठवा लेंगे। या थैंक यू सर। पुणे रेलवे पुलिस से फोन था। क्या कह रहे हैं? पुणे स्टेशन पर वो बैग मिला है एक वेटिंग रूम में। पहले तो वहां हंगामा हो गया क्योंकि सबको लगा बैग में बॉम्ब है, और सर उसमें से वही गुलाबी सलवार कमीज मिला है जो रजनी ने पहना हुआ था। जब रजनी ने कपड़े बदल लिए और बैग ऐसे ही छोड़ दिया स्टेशन पर लावारिस, इसका मतलब है रजनी ने अपने आप को गायब कर लिया। जी सर लगता तो ऐसे ही। सर रजनी के माता पिता आपसे मिलने आए। बोलो आइए। देखिए मेरी बेटी रजनी ने मुझे ये बड़ौदा में लेटर भेजा था, बड़ौदा से एक रिश्तेदार ने मुझे यहाँ पर भेजा। देखिए उसने लिखा है प्यारे मम्मी डैडी, मैं आप लोगों को बिना बताए ऐसे ही चली गई, इसलिए मुझे माफ कर देना, मैंने ऐसा क्यों किया ये मैं आपको भी नहीं बता सकती हूँ, मगर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो रहा है और मैं जल्दी घर आ जाऊंगी आपकी रजनी। ये रजनी की ही हैंडराइटिंग है? हाँ उसी की। जरा वो दीजिए। उन्हें से लिखा है वो पूनम ने क्या
क्या कर रही है रजनी? वहां कहां है रजनी? देखिए इस वक्त तो हम कुछ नहीं कह सकते, मगर लगता है कि वो जल्दी वापस आ जाएगी। अब परेशान मत होइए। देखिए वो एक समझदार लड़की लगती है, उस पर भरोसा रखिए, वो जरूर वापस आ जाएगी। डैडी देखिए फिर से आ गए हैं। अरे आप, हेलो मिस्टर सुरेश प्रकाश। हेलो मिस्टर अमोल। देखिए फिक्र मत कीजिए, इस बार मैं आपको परेशान करने नहीं आया, मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि इस केस की फाइल अब बंद हो चुकी है। वेरी गुड। देखिए रजनी अपनी मर्जी से ही गई है और अपनी मर्जी से ही लौट के भी आएगी, ऐसा लेटर उसने अपने माँ बाप को लिखा है। मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ, हमारी वजह से आपको काफी तकलीफ उठानी पड़ी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, क्या करें, हमारे काम ही ऐसा है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू अमोल। शादी जल्दी कर लो, कहीं रजनी वापस आ गई तो। लेकिन रजनी से मेरा क्या मतलब? सर तुम सूरज प्रकाश के यहां अमोल से माफी मांगने गए थे? हाँ सर, लेकिन ये तो सिर्फ बहाना था उससे मिलने का, क्योंकि कहीं तो मुझे खटक रहा है सर कि कुछ तो ऐसी चीज है इस केस में जो हमारे सामने है पर हमें दिखाई नहीं दे रही। चलो तो एक बार फिर से देखते हैं। वो गुमनाम खत जो हमें 21 तारीख को मिला, उस खत के मुताबिक 19 तारीख की रात 11 बजे खत लिखने वाले ने अमोल की मोटरसाइकिल को नेशनल पार्क में देखा। अगर हमें वहां रजनी की लाश मिलती तो सब ठीक था, लेकिन हमें वहां कुछ नहीं मिला। करेक्ट? करेक्ट सर। तो हमने सोचा कि शायद लिखने वाले ने मोटरबाइक का गलत नंबर नोट किया होगा, और वो गलत नंबर अमोल की मोटरसाइकिल का था। यस सर। अब हैरान की बात ये है कि 19 तारीख की रात को ही, और वो भी 11 बजे, अमोल रजनी के साथ वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल के पास था। अब रजनी को मारने का उसके पास अच्छा मौका था और कारण भी, और रजनी उसी दिन से गायब है। अब इन दो चीजों का एक ही दिन एक ही समय होना बहुत बड़ा इत्तफाक है, ये कैसे हो सकता है? हाँ सर, ऐसे कैसे हो सकता है? अब तक हम मान रहे थे कि खत लिखने वाले ने गलती की है, अब मान लो कि उसने गलती नहीं की बल्कि वो जानबूझकर झूठ बोल रहा है, वो अमोल को फंसाना चाहता है। अब अमोल को फंसाने में सबसे ज्यादा फायदा किसका हो सकता है? शायद पायल का कोई दूसरा चाहने वाला हो जो नहीं चाहता कि पायल की और अमोल की शादी हो, या फिर रजनी का वो गोवा वाला दोस्त हो। लेकिन सर फिर भी सवाल ये उठता है कि इनमें से किसी को भी कैसे मालूम कि उस दिन रजनी बड़ौदा से भागकर यहां आई है और अमोल से मिली है और 11 बजे उसके साथ थी। ये सब बातें एक ही आदमी जान सकता है। कौन? अमोल। मतलब ये खत अमोल ने खुद लिखा है। लेकिन अमोल अपने आप को फंसाएगा ही क्यों? पायल और रजनी के बीच में फंसकर अमोल का दिमाग बड़े जोर से चल रहा है। पायल के करोड़ों रुपयों के सामने रजनी की कुर्बानी होकर ही रहेगी। अगर वो उसे ऐसे ही मार देता तो वो कभी भी फंस सकता था, क्योंकि उसे यह मालूम नहीं था कि रजनी के मां बाप उसके बारे में जानते हैं या नहीं। क्या पता रजनी ने अपनी किसी सहेली को भी इस अफेयर के बारे में बताया हो। इस चक्कर से बचना अमोल के लिए बड़ा मुश्किल था। तो वो एक लेटर लिखता है और अपने ही खिलाफ तहकीकात शुरू करवाता है, फिर रजनी के खून के जुर्म में हम उसके पीछे जाते हैं और अचानक एक गवाह आकर उसे बचा लेता है। वो गवाह मतलब वो औरत वहां अचानक नहीं आई, अमोल हॉस्टल के पास बैठकर तब तक सिगरेटें फूंकता रहा जब तक किसी ने उसे देख न लिया। वो औरत वहां आई तब 11 बजे थे, अमोल ने वो टाइम लेटर में लिख दिया और हमें भेज दिया। मतलब अमोल ने हमसे एक ऐसे खून की तहकीकात करवाई जब तक हुआ ही नहीं, अब अमोल पर कोई शक नहीं करेगा। इसका मतलब है खून अब होगा जल्दी ही, शायद अभी हो भी रहा हो वही जंगल में। मैं परसों पूना गया था ना इंटरव्यू के लिए, बस एक बार काम मिल गया ना तो मैं सूरज प्रकाश की नौकरी छोड़ दूंगा। उसके बाद हम लोग शादी कर लेंगे। ओके मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन
क्यों आई है? वो क्या है ना डार्लिंग, तुम दो तीन दिनों से खाली फ्लैट में बंद बोर हो रही थी ना, तो मैंने सोचा तुम्हें थोड़ा घुमा दूं। लेकिन यहाँ पे क्या है ना डार्लिंग, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती ना, मैं नहीं चाहता पायल या उसके पिताजी हमें साथ में देखें, वो हमें बर्बाद कर सकते हैं। हम पुलिस है, जल्दी जाके देखो लड़की ठीक है या नहीं, और उसे भी गिरफ्तार कर लो, पुलिस सिर्फ बाहर में लगी है। मुझे उसका पता मिला और 19 तारीख को मैं उसके घर पहुंच गई। मुझे देख के वो बहुत हैरान हुआ। मेरी तो आंखों को विश्वास नहीं आ रहा कि तुम हो डार्लिंग। तुम्हारा एड्रेस कहीं खो गया था मुझसे डार्लिंग, मेरी जेब कट गई थी, मैं तो सोच रहा था कि तुम मुझे लेटर लिखोगी। मैंने तुम्हें कम से कम 50 लेटर लिखे हैं माँ। क्या मत करे भाला, मुझे तो एक भी नहीं मिला। तुम्हें एक भी इसलिए नहीं मिला क्योंकि सारे लेटर वापस आ गए। ये एड्रेस गलत है, देखो इस नाम की कोई बिल्डिंग नहीं है। मैं इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकता हूँ डार्लिंग? डार्लिंग, ये मेरा पुराना एड्रेस है, ये बिल्डिंग तोड़ी जा चुकी है, पुरानी हो गई थी ना डार्लिंग। मुझे मालूम है तुम पता नहीं मेरे बारे में क्या-क्या सोच रही होगी, बहुत नफरत करती होगी ना मुझसे। तुम डार्लिंग, मुझे तो लगा कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती हो, इसलिए बहुत नफरत करने लगा था मैं तुमसे। विश्वास कर लिया और वो मुझे एक खाली घर में ले गया। उसने कहा कि तुम्हारे पापा मम्मी तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे, इसलिए उन्हें एक खत लिख दो कि मैं ठीक हूँ, लेकिन इससे ज्यादा और कुछ नहीं लिखना। अच्छा, दो दिन पहले वो मेरा एक पुराना बैग और कुछ पुराने कपड़े ले गया, ये कह के कि मेरे लिए नए कपड़े लेकर आ रहे हैं। 20 तारीख की रात वो खत जो रजनी ने अपने माँ बाप को लिखा था और वो बैग लेके पुणे गया, मेरे माँ वो खत पोस्ट किया और बैग एक वेटिंग रूम में रख दिया। एक हवलदार की नजर उस बैग पर पड़ी और लोगों से वो उसके बारे में पूछने लगा। मैं चुपचाप वहां से निकल गया और सीधा मुंबई पहुंचा। मैं रजनी से मिला जिसे मैंने सूरज प्रकाश के एक खाली फ्लैट में ठहराया हुआ था। अगले दिन सुबह मैं सूरज प्रकाश के ऑफिस पहुंचा जहाँ मुझे आप लोग मिले। बस। फिर मैंने सोचा कि मैं रजनी का खून कर सकता हूँ, किसी को मेरे ऊपर जरा भी शक नहीं होगा। मगर ना जाने पुलिस वालों को कैसे पता लग गया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।